100 साल में पहली बार 2020 में महामारी के रूप में कोरोना आया, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने साइंटिस्टों को बुलाकर कहे कि इसको युद्ध स्तर पर लेकर के और लिमिटेड पीरियड में इसकी दवा का इजाद करना है और हमारे 140 करोड़ लोगों को बचाना है। और जब वो हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके और वैक्सीन मार्केट में लेकर के आए, और जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार मिलकर के और इस योजना को आगे बढ़ाई, तो यही समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं जो कहते थे कि बीजेपी वालों की वैक्सीन हम लगवाएंगे। नहीं नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के गुंडे आज भी जिंदा हैं तो मोदी जी की लाई हुई वैक्सीन की वजह से जिंदा है। अब मोदी जी कहते भी हैं कि अरे हमारे विरोधियों, हमें गाली देने के लिए तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है। उसी कड़ी में रात के अंधेरे में जाकर के वैक्सीन लगवाते थे और दिन के उजाले में आकर के मोदी जी और योगी जी का विरोध करते थे। ये लोग चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थे। एक आदमी समाजवादी पार्टी का कोई नहीं था जो सड़क पर आकर के कोरोना से लड़ने का काम करता हो और कार्यकर्ताओं से मिलने का और गांव के लोगों से मिलने का काम किया हो। ये 5 साल चोरी मक्कारी गुंडागर्दी इनका काम है, इनका मकसद है, इनका जुनून है। ये बाई बर्थ करते रहते हैं और आगे भी समाज को में इसी तरह से विध्वंस फैलाना चाहते हैं। ऐसे कुकृत्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह से खड़ी हुई है, और जो लोग अगर इस मानसिकता को करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि 10 तारीख के बाद सड़क पे चौराहे पर ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये जेल के सलाखों में होंगे।